हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीखे सब कुछ में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि फोटोशॉप में इस तरीके का 3D फोटो कैसे बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो इस तरीके के इमेज को आप अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम के लिए प्रोफाइल पिक्चर के लिए भी यूज कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो इसी प्रोसेस से यूट्यूब थंबनेल के लिए भी इस तरीके का इमेज बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हम सबसे पहले कंट्रोल एन करके एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। उसके बाद आप प्रीसेट में जाएंगे, यहाँ से आप कस्टम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप पिक्सल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यदि आप इंस्टाग्राम या फेसबुक के लिए प्रोफाइल पिक्चर बनाते हैं तो यहाँ पर आपको साइज डालना होगा 180x180। तो विड्थ और हाइट को आपको यहाँ पर 180x180 रखना होगा, और यदि आप यूट्यूब के लिए कोई थंबनेल बनाते हैं तब आपको यहाँ पर साइज रखना होगा 1280x720। तो विड्थ में आप 1280 और हाइट में 720 रखेंगे। उसके बाद रेजोल्यूशन आप 72 रखेंगे, कलर मोड RGB, बैकग्राउंड कंटेंट वाइट, और उसके बाद आप ओके पर क्लिक कर देंगे। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहां पर एक शेप क्रिएट करेंगे। उसके लिए आप टूल बार में जाएंगे, यहां पर राइट क्लिक करेंगे और यहां से इस पॉलीगन टूल को ले लेंगे। इसके बाद आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं, यहां पर आप शेप पर ओके रखें, यहां से आप नो कलर पर क्लिक रखें। उसके बाद आप स्ट्रोक में कलर देने के लिए यहाँ से आप कोई कलर चूज कर सकते हैं। यदि आप अपने स्ट्रोक को मल्टी कलर रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस बॉक्स पर क्लिक करें और यहाँ से आप कोई मल्टी कलर चूज कर लें। मान लीजिए मैं ये ले लेता हूँ, और उसके बाद आप यहाँ से अपनी स्ट्रोक के साइज को चुनेंगे। मैंने यहाँ से साइज 20 लिया है, और उसके बाद आप यहाँ से पहली वाली नॉर्मल लाइन को ओके रखेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको साइड से लिखा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको 3 लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर आप अपनी शेप को क्रिएट करने से पहले कीबोर्ड से शिफ्ट की को होल्ड रखेंगे और इस तरीके से ड्रैग करते हुए आप अपनी शेप को क्रिएट कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, कंट्रोल टी से इसे सेलेक्ट करेंगे, इसे ड्रैग करके नीचे लेकर आ जाएंगे। अब इसे रोटेट कर लेंगे, इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अब फ्रेंड्स, इसे अच्छे से एडजस्ट करने के लिए आपको रोलर बार की जरूरत पड़ेगी। उसका शॉर्टकट होता है Ctrl R, तो मैं Ctrl R प्रेस कर रहा हूँ। उसके बाद आप अपने माउस पॉइंटर को यहाँ पर लेकर आएं और इसे ड्रैग करके नीचे लेकर आएं, तो आपको एक रोलर बार नीचे आता हुआ दिखाई देगा इस तरीके से, और एक रोलर बार आपको इसके नीचे लगाना है। तो फिर से हम यहाँ पर जाएंगे और इस तरीके से ड्रैग करते हुए नीचे लेकर आ जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि इसका एक कॉर्नर ऊपर की तरफ उठा हुआ है, तो उसके लिए हम Ctrl T से इसे सेलेक्ट कर लेंगे और इसे रोटेट करके इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। इसके एडजस्ट होने के बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ से क्रिएट ए न्यू लेयर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, हम इसमें एक शेप और क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए आप टूल बार में आएँ, यहाँ पर राइट क्लिक करें और यहाँ से इस एलिप्टिकल टूल को ले लें, और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज में जाएँ, यहाँ से आप शेप पर क्लिक रखें और यहाँ से आप नो कलर पर ओके रखें, और स्ट्रोक में कलर देने के लिए आप यहाँ पर आ जाएँ। यदि आप सिंगल कलर रखना चाहते हैं तो उसके लिए इस पर क्लिक करें, और यदि आप मल्टी कलर रखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक रखें, और यहाँ से आप कोई कलर चूज कर लें, तो मैं इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ से आप स्ट्रोक का साइज रखेंगे, मैंने ऐसे साइज 20 लिया है। यहाँ से आप इस पहले वाली नॉर्मल लाइन को ओके रखेंगे, और यहाँ पर अपनी शेप को क्रिएट करने से पहले कीबोर्ड से शिफ्ट की को होल्ड रखना है, और शेप क्रिएट करते समय आपको इस प्लस के निशान को ऊपर वाली गाइडलाइन से टच करते हुए नीचे वाली गाइडलाइन से टच करा देना है, ताकि आपका जो शेप क्रिएट होगा वो इस ट्राइंगल के हिसाब से क्रिएट हो जाए। तो मैं यहाँ से इसे टच कर रहा हूँ और कीबोर्ड से शिफ्ट की को होल्ड रख रहा हूँ, और इस तरीके से ड्रैग करते हुए हम इसे क्रिएट कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इस वाली शेप का साइज पहली वाली शेप के बराबर हो चुका है। अब फ्रेंड्स, हम इस सर्कल को ट्राइंगल के हिसाब से सेट कर लेंगे, तो उसके लिए हम Ctrl T से सेलेक्ट करेंगे और एरो बटन की सहायता से इस तरीके से हम इसे आगे की तरफ ले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके सेंटर में आ चुका है। इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, हम इस ट्रायंगल को इस सर्कल के अंदर लेकर के आएंगे, तो उसके लिए आप यहाँ से इस दूसरे वाली लेयर को सेलेक्ट रखें, Ctrl T से सेलेक्ट कर लें, ऑल्ट और शिफ्ट की को होल्ड रखें और इस तरीके से ड्रैग करते हुए आप अंदर की तरफ ले जाएं। इसके बाद हम इसमें राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आप फ्लिप वर्टिकल पर क्लिक कर देंगे, और इसे एरो बटन की सहायता से आप नीचे लेकर के आएँ। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर से दोनों कॉर्नर टच हो रहे हैं, तो उसके लिए आप ऑल्ट और शिफ्ट की को होल्ड रखें, तो इस तरीके से आप इसके कॉर्नर को अंदर की तरफ कर लें।
और उसके बाद आप एंटर प्रेस करें। तो अब देखिए फ्रेंड्स, आपकी शेप क्रिएट हो चुकी है। अब आपको इन बाहर वाले रूलर की जरूरत नहीं है, तो इसलिए आप इन्हें हाइड करने के लिए कंट्रोल एच प्रेस करें। इसके बाद फ्रेंड्स, हम इसमें इफेक्ट देंगे, तो उसके लिए आप पहली वाली लेयर पर आ जाएं, इसमें राइट क्लिक करें और इसे रास्टराइज लेयर में कन्वर्ट कर लें। अब हम इसको भी रास्टराइज लेयर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब आप पहली वाली लेयर पर आ जाएं, इसमें राइट क्लिक करें, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएं, बेवल एंड एम्बोज पर चेक करें, इसमें अंदर जाने के लिए फिर से क्लिक करें, यहाँ से आप स्टाइल में जाएं और आउटर बेवल पर क्लिक करें, टेक्निक में आप स्मूथ पर ओके रखें, डेप्थ को आप लगभग 200 कर दें, डायरेक्शन में आप अप रखें, साइज में आप लगभग 5 कर दें, और उसके बाद आप ड्रॉप शैडो पर क्लिक करें, इसमें अंदर जाने के लिए फिर से क्लिक करें, यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी को 100% कर दें, डायरेक्शन को लगभग आप 5 रखें, और स्पीड को आप लगभग 3 रखें, और साइज को आप लगभग 4 कर दें। इसके बाद आप ओके पर क्लिक कर दें। अब फ्रेंड्स, नीचे वाली लेयर पर आ जाएं। अब हमें इसमें भी इफेक्ट देना है, तो उसके लिए इसमें राइट क्लिक करें, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएं, बेवल एंड एम्बोज पर क्लिक करें, अंदर जाने के लिए फिर से क्लिक करें, स्टाइल में आउटर बेवल रखेंगे, यहाँ से टेक्निक में आप स्मूथ रखेंगे, इस बार हम डेप्थ को लगभग 150 कर देंगे और साइज में आप लगभग 4 रखेंगे। इसके बाद आप ड्रॉप शैडो पर क्लिक करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, ओपेसिटी को 100% पर कर देंगे और डिस्टेंस 5, स्पीड को लगभग 3 पर कर देंगे और साइज को आप लगभग 1 पर रखेंगे। इसके बाद आप ओके पर क्लिक कर देंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपनी इमेज को लेकर के आएंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक इमेज रखी है। तो फ्रेंड्स, 3D इफेक्ट के लिए आपके पास ऐसी इमेज होनी चाहिए जिसका बैकग्राउंड पहले से हटा हुआ हो। फ्रेंड्स, इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप अपनी फोटो के बैकग्राउंड को चंद सेकंड में कैसे हटा सकते हैं, तो आपको ढूंढने में आसानी हो, मैं उसे आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे ही आप मेरे यूट्यूब चैनल सीखे सब कुछ पर आएंगे, यहाँ पर आपको लिखा दिखाई देगा हाउ टू क्रिएट 3D प्रोफाइल फोटो फॉर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि किसी फोटो के बैकग्राउंड को कुछ ही सेकंड में कैसे हटाया जाए। तो अब मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ और इसे ले जाने से पहले हम इसे कन्वर्ट टू द स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर दूंगा, कंट्रोल टी से इसे सेलेक्ट करूंगा और ऑल्ट और शिफ्ट की को प्रेस रखते हुए इस तरीके से हम इसे छोटा कर लेंगे। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और इसे ले जाने के लिए हम टूल बार से मूव टूल को सेलेक्ट करेंगे और इस तरीके से ड्रैग करते हुए हम अपनी पहली वाली इमेज पर चले जाएंगे और इसे यहाँ पर लाकर छोड़ देंगे। अब इसे कंट्रोल टी से आप एडजस्ट कर लें, एडजस्ट होने के बाद एंटर प्रेस करें। इसके बाद फ्रेंड्स, आप इस नीचे वाली लेयर पर सेलेक्ट रखें और टूल बार में यहाँ पर राइट क्लिक करें और यहाँ से सेकंड वाले ऑप्शन मैजिक वैंड टूल को ले लें और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करें। फ्रेंड्स, यदि ये एरिया एक बार में सेलेक्ट नहीं होता है तो उसके लिए आप शिफ्ट की को होल्ड रखें और दोबारा से क्लिक कर दें, तो ये एरिया आपका पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से इस पहली वाली लेयर पर आ जाएं और ऐड लेयर मास्क पर क्लिक करें। फ्रेंड्स, जैसे ही मैं ऐड लेयर मास्क पर क्लिक करूंगा, ये जो सिलेक्शन से बाहर का एरिया है ये हाइड हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दे रहा हूँ। अब फ्रेंड्स, यहाँ से इस ऊपर वाले एरिया को वापस लाने के लिए यहाँ से इस मास्क वाले बॉक्स पर क्लिक रखें और टूल बार में यहाँ पर फोरग्राउंड कलर आपका व्हाइट होना चाहिए। उसके बाद आप ब्रश टूल को ले लेंगे, इसका शॉर्टकट होता है बी, बी प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसे चलाने से पहले ध्यान रखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज में ओपेसिटी और फ्लो 100% पर होना चाहिए और इस तरीके से हम अपने ढके हुए एरिया को वापस लेकर आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। अब फ्रेंड्स, इन सभी लेयर को सेलेक्ट करके आप कंट्रोल ई से मर्ज कर दें, इस नीचे वाली लेयर पर क्लिक करें। अब देखिए फ्रेंड्स, ये वाली लेयर लॉक है, तो इसे अनलॉक करने के लिए इस पर डबल क्लिक करें, ओके पर क्लिक कर दें। अब इसमें राइट क्लिक करें, ब्लेंडिंग ऑप्शन में आ जाएं, यहाँ से आप ग्रेडियंट ओवरले पर चेक करें, अंदर जाने के लिए फिर से क्लिक करें, यहाँ पर आप इस कलर बॉक्स पर क्लिक करें, तो यहाँ से आप कोई भी मल्टी कलर चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप ओके पर क्लिक कर लें, यहाँ से आप कलर को रिवर्स कर सकते हैं और स्टाइल में जाके आप यहाँ से कोई एक स्टाइल चूज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से रेडियल पर रखूँगा और यहाँ से आप स्केल के साइज को इस तरीके से बढ़ा सकते हैं और उसके बाद आप ओके पर क्लिक कर लें। इसके बाद यदि आप इमेज को सेंटर में रखना चाहते हैं तो उसके लिए इस लेयर पर क्लिक करें, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल करें, मूव टूल पर आ जाएं और यहाँ से अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर पर क्लिक करें और उसके बाद
अलाइन वर्टिकल सेंटर पर क्लिक करें। अब आपकी इमेज बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। अब सिलेक्शन से हटने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करें। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल ई से मर्ज कर दें। अब यदि आप किसी इमेज में बॉर्डर देना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर राइट क्लिक करें, ब्लेंडिंग ऑप्शन में आ जाएं। यहाँ से आप स्ट्रोक पर क्लिक करें, अंदर जाने के लिए फिर से क्लिक करें, पोजीशन में आप इनसाइड पर क्लिक रखें। यहाँ से आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, मैं यहाँ से वाइट कलर ले रहा हूँ। प्योर वाइट के लिए आप इस छोटे से बॉक्स पर क्लिक कर दें, उसके बाद आप ओके पर क्लिक कर दें और यहाँ से इसके साइज को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लें और उसके बाद आप ओके पर क्लिक कर दें। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने फेसबुक इंस्टाग्राम के लिए प्रोफाइल फोटो बना सकते हैं, और यदि आप चाहें तो इसी प्रोसेस से आप अपने यूट्यूब के लिए थंबनेल पिक्चर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो ट्यूटोरियल आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर और कमेंट, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो अगले ट्यूटोरियल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।